हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल शर्मा क्रिएशन पर। तो आज हम सीखेंगे कार कैसे चलाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कार है ब्रेजा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप जब भी कोई कार चलाए तो सबसे पहले ये चेक कीजिए कि गियर न्यूट्रल में है या नहीं। गियर न्यूट्रल कैसे होगा? गियर ऐसे यहाँ पर साइड होगा तब गियर न्यूट्रल में होगा। अगर गियर गियर शिफ्टिंग पे है तो गियर यहाँ पर साइड में नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपनी कार का गियर न्यूट्रल में करें। और आगे देखिए यहाँ पर साइड में ये कीलेस कार है तो इसकी की नहीं लगती कार में। तो यहाँ पर इस कार को स्टार्ट करने के लिए आप एक बार बटन को प्रेस करेंगे तो इसके इंडिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, और दो बार करेंगे तो म्यूजिक सिस्टम और ये एसी स्टार्ट हो जाएगी कार की। ठीक है, अगर आपको कार स्टार्ट करनी है तो यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर पहले आपको क्लच को प्रेस करना होगा पूरा, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन यहाँ पर हो गया है। यहाँ पर अब आप इस बटन को दबाएंगे तो आपकी कार स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और दोस्तों आप जैसे ही क्लच को छोड़ देंगे तो यहाँ पर वो निशान ऑफ हो जाएगा। ये देखिए, जैसे प्रेस करेंगे वापस से आ जाएगा। ये यहाँ पर ये निशान है हैंड ब्रेक का, ये सीट बेल्ट का, और देखिए यहाँ पर नीचे ये साइड में है मिरर का, ये मिरर सेट करने का, ये है लाइट का, लाइट बीम सेट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर मेन चीज़ आती है कार चलाने के लिए। नीचे देखिए यहाँ पर ये हम ए से एक्सीलेटर, बी से ब्रेक, सी से क्लच। ठीक है दोस्तों, ए बी सी। आपको यहाँ पर अपने पैरों का इस्तेमाल, इस पैर का लेफ्ट पैर का इस्तेमाल आपको सिर्फ क्लच को भी दबाने के लिए प्रयोग करना। ठीक है, और आपका ये जो राइट पैर है इसको रेस और ब्रेक के लिए यूज़ करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, कार चलाना कोई हार्ड बात नहीं है। ठीक है, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए और खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपको कार चलाना सीखना तो आपको सबसे पहले अपना कल्स को छोड़ने का एक्सपीरियंस मजबूत करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप कल्स को यहाँ पर देखिए, अगर आपकी कार स्टार्ट है तो यहाँ पर देखिए, कार स्टार्ट होने के बाद आप हमेशा अपनी कार कल्स को प्रेस करके स्टार्ट करें। ठीक है, ये अपने नॉलेज में रखिए। बहुत सी कारें ऐसी होती हैं जो बिना कल्स को प्रेस किए भी स्टार्ट होती हैं, पर आप अपने नॉलेज कल्स को स्टार्ट करने कल्स को दबाए रखें और स्टार्ट करें, यही आपकी हैबिट बनाएं। और स्टार्ट करने से पहले चेक कीजिए कि आपका गियर न्यूट्रल में है, और अपने हैंड ब्रेक को स्टार्ट करें तब तक खड़ा ही रहने दें। ठीक है, आपको सभी को खास करके यही ध्यान रखना कि आप अपना लेफ्ट हैंड का, लेफ्ट पैर का प्रयोग ओनली कल्स को दबाए रखने के लिए प्रयोग करें। ठीक है, और राइट पैर का आप रेस के लिए और ब्रेक के लिए, ए बी और सी आपको करना है अपने लेफ्ट पैर से। ठीक है, और जब आपकी कार स्टार्ट हो जाती है तो आप अपने कल्स पूरा प्रेस करें और यहाँ पर गियर को फर्स्ट गियर पे शिफ्ट करें। ठीक है, जैसे आप फर्स्ट गियर पर शिफ्ट करते हैं तो आपको कार चलाने के लिए कुछ नहीं करना। आप एक्सीलेटर पर, अगर कहीं भीड़ की जगह है या कुछ ऐसी जगह है तो वहाँ पर अपने एक्सीलेटर पर पैर ना रखें। ठीक है, आप जैसे कार का हाफ व्हील छोड़ोगे ना तो अपने आप गाड़ी ऑटोमेटिक अपने आप आगे चलने लगे। ठीक है, यहाँ पर आप अपने हाफ व्हील छोड़िए, अगर आपको हाफ व्हील तक एक्सीलेटर पर पैर भी नहीं रखना। ठीक है, जब तक आप हाफ किल छोड़ते हैं तब तक आपको एक्सीलेटर पर पैर नहीं रखना। हाफ किल छोड़ने के बाद आपकी कार अपने आप आपको सिग्नल देगी, अपने आप कार ऑटोमेटिक आगे चलने लगी। आगे फर्स्ट गियर पे तो आगे चलेगी, रिवर्स पे तो पीछे चलेगी। ठीक है, तो आप हाफ किल्स के बाद अगर कार आगे जाती है तो मामूली सा पैर अपने एक्सीलेटर पर रखें और आराम आराम से कल्स को छोड़ें। ठीक है, यहाँ पर कल्च को छोड़ेंगे, फिर पूरा कल्च छोड़ दें। अगर आप रोड पे हैं तो कल्च छोड़ते ही अपना कल्च भींचें और यहाँ पर सेकंड गियर शिफ्ट करें, फिर कल्च को आराम से छोड़ दें, फिर रेस दें। ठीक है, तो दोस्तों कार चलाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, बस अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखें, कार अपने आप आ जाएगा आपको। ठीक है, ये यहाँ पर हमारी कार है ब्रेजा। इसमें बहुत से ऑप्शन हैं, इसमें यहाँ पर ये देखिए, म्यूजिक सिस्टम पर GPRS, ब्रेक
ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं और मोबाइल को भी कनेक्टेड कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक कार है। यहाँ पर ये देखिए इसके फंक्शन, यहाँ पर मोड का है, यहाँ पर वॉल्यूम, यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम के सॉन्ग ट्रैक चेंज करने के लिए, यहाँ पर क्रूज, क्रूज का ऑप्शन। यहाँ पर क्या है, मान लीजिए आप मेन रोड पर हैं, कहीं हाईवे पे हैं और आपको गियर शिफ्ट करके फिफ्थ गियर में आपकी कार चल रही है और आपकी स्पीड 18 है, 18 के ऊपर अगर आप क्रूज को दबाएंगे तो वहाँ पर देखिए क्रूज का ऑप्शन इनेबल होगा। इससे ये होगा कि आप अपनी गाड़ी ऑटोमेटिक चलेगी, ठीक है। और जब आपको मतलब कहीं पर ब्रेक कर या और कुछ आए तो अपना किल्स प्रेस करना है और इसके बटन को वापस प्रेस कर दे, ठीक है। अपने गाड़ी, आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक अपने रेस के लेवल पर आ जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही काफ़ी। बस आपको कार चलाने के लिए यही ध्यान रखना है कि ये आपका ए बी सी, अपना राइट पैर अपने ब्रेक और क्लच के लिए प्रयोग करें और लेफ्ट पैर है वो ओनली कल्स के लिए प्रयोग करें, ठीक है। कल्स छोड़ने का एक्सपीरियंस आपको हाफ केल्स तक बिना एक्सीलेटर पर पैर रखे ही छोड़ना है, ठीक है। और हाफ केल्स के बाद जब आपकी कार आगे चलने लगे तो आप थोड़ा थोड़ा अपने एक्सीलेटर पर पैर रखें, आपकी कार नॉर्मल साइज से चलेगी, ठीक है। आपको कार चलाते समय घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए कि आप कार चला सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस काफ़ी इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में हम बहुत जल्द लेके आएंगे, तब तक आप अपने चैनल शर्मा क्रिएशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आपको यही ध्यान रखना है कि कॉन्फिडेंस लेवल इज़ वेरी हाई, ठीक है। आपको घबराना नहीं कार चलाते समय। आप अगर स्टार्ट बिगिनर हैं तो आप कार को कहीं खुले एरिया में ले जाकर यूज चलाएं, ठीक है, कहीं ग्राउंड पे या कहीं खुले एरिया पर जाके चलाएं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।